हेलो एवरीवन, ऑर्डर आया तो एक बार के लिए मैं भी नर्वस हो गया था कि बना पाऊंगा कि नहीं, पर स्टार्ट किया तो इससे सिंपल मेरे को कोई केक ही नहीं लगा। तो आप भी देखिए, सीखिए और फिर बनाइए, क्योंकि देखेंगे तभी सीखेंगे, सीखेंगे तभी बना पाएंगे। बहुत सिंपल केक है। वैसे हमने इसको जैसे करते हुए आए, क्रीम में थोड़ा सा वनीला क्रीम थी, उसमें मैंगो एसेंस ऐड कर दिया है, और फर्स्ट लेयर में हमने इसको मैंगो क्रीम से, और उसके ऊपर डाल रहे हैं हम मैंगो क्रश, और उसको भी हमने फिल कर दिया है। और फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे मैंगो कट करके रख लिया था, चॉप कर लिया था, उसको बराबर बराबर निचली लेयर में हम इसको फैला दे रहे हैं। मैंगो फ्लेवर में इस केक को बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें मैंगो की यूज़ में हो रही हैं। ये फिर से मैंगो क्रीम एसेंस होता है, वनीला पाइनएप्पल मैंगो जो भी आप यूज करना चाहते हो। जैसे कि मैंगो में बना रहे हैं तो हमने मैंगो अरोमा जो मैंने आपको दिखाया उसको क्रीम में हल्का सा ऐड कर लिया, जिससे क्रीम में उसका फ्लेवर आ जाएगा और एक एसेंस आ जाएगा। और ऊपर से क्रश डाल दिया है मैंगो का और मैंगो की स्लाइस कट करी हुई। इस तरह से हमने अंदर की तरफ ये फील हो चुका है पूरा। अब हम करेंगे इसके ऊपर आइसिंग। ऊपर भी हमने मैंगो ही क्रीम यूज करी है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ही मैंगो फ्लेवर की थी, तो इसको मैंगो से ही फुलफिल करेंगे। इस तरह से जो चौकोर केक होते हैं उसको हम इस तरह से आइसिंग करते हैं। राउंड तो आप जानते ही हैं, बाकी देख लीजिए किस तरह से आइसिंग हो रही है। बराबर बराबर चारों कोनों में हमने क्रीम लगानी है, और आगे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे, जिससे कि हमारे इसके जो कोने हैं ये सही ढंग से निकल जाएँ, तभी केक में अच्छी फिनिशिंग आएगी। सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गया, इस केक के लिए मैंने स्पॉन्ज 12x15 इंच के मोल्ड में एगलेस इन्हेंस पाउडर से तैयार कर लिया था। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा किसी दिन, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह से क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देख नहीं पाते हो, इतना टाइम नहीं दे पाते हो वीडियो को। तो अभी हम केक रेडी कर रहे हैं, तो फिर इसको मैंने 6x9 इंच में कट कर लिया था, 6 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। और अभी आइसिंग करने के बाद गाइस, दो साइड की एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम इस तरह से निकाल दे रहे हैं साइड की तरफ। इसके लिए मैंने नाइफ को गर्म पानी में डिप किया है, और जिससे इसमें फिनिशिंग आएगी। आपको भी इसी तरह से कट कर लेना है, जब कभी भी आप पेस्ट्री बना रहे हो या इस तरह के चौकोर केक बना रहे हो, तो साइड से आपको फिनिशिंग लाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेंट ले लिया है, विजयन का फाउंडेंट मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ अभी, और इसको कुछ इस तरह से बेल रहा हूँ क्योंकि इससे मैं बनाऊँगा स्क्वायर एकेडमिक कैप, या ऑक्सफोर्ड कैप भी बोल सकते हो आप उसे। तो उसके लिए हमने इस तरह की ये पट्टी बेल के उसको राउंड बना करके साइड से चिपका दिया है, और हम फिर से मैं उसमें 2.5x3 इंच का स्क्वायर फाउंडेंट बेल के कट कर ले रहा हूँ। और अभी उसके साइड से मैंने हल्का सा पानी से उसको ब्रूस से उसमें लगा दिया है पानी, चिपकाने के लिए हल्का सा पानी यूज में ले रहा हूँ, और हल्का सा हमने उसके पॉइंट में भी लगा दिया, और ये क्लिप टाइप की हमने एक ये चिपका दी है इस पर, और ऊपर लगा दिया एक सिल्वर बॉल। और यहाँ पे कुछ मैंने जो भी केक पे नाम लिखना था वो अल्फ़ाबेट काट के रख लिए हैं, जब मैं केक को डेकोर करूँगा उस टाइम मैं इसको उस पर लगा दूँगा। और अभी गाइस मैं कट कर ले रहा हूँ फिर से 5 इंच का स्क्वायर फाउंडेंट वाइट कलर में, जिससे हम वो जो डिग्री है ना वो बना करके तैयार करेंगे कुछ इस तरह से, और ऊपर येलो फाउंडेंट से इसको हमने गांठ लगा दी है। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं लगभग। अब हमें क्या करना है, जो केक हमने आइसिंग करके रखा हुआ है उसको हमने फ्रीज में रख दिया है, करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं, एक घंटे तक भी आप उसको रख सकते हो, तब उससे उसमें अच्छे से फाउंडेंट हम लगा सकते हैं। ये ब्लू कलर का फाउंडेंट है, हम इसको खूब लंबा चौड़ा बेल दे रहे हैं, और फिर केक की जो नाप ले रखी है हमने 9x9 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा, उसी हिसाब से हम उसको कट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। और अब हम इसको लगा दे रहे हैं केक के ऊपर।
बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको ऊपर लगाना है, क्योंकि क्रीम हमारी अच्छे से जमी हुई नहीं है। और इस तरह से हमने इसको हाथ से थोड़ा सा फैला देना है, और साइड से जो एक्स्ट्रा फाउंडेंट बाहर की तरफ आ रहा है हमने इसको कैंची से काट लिया है। दोनों साइड से हम इसको कट कर लेंगे, जिससे कि एक बुक का सेक आ जाएगा हमारे केक का। जैसा कि फाउंडेंट केक की डिमांड अब मार्केट में बढ़ने लग गई है दोस्तों, हमारे पास भी ऑर्डर अब बढ़ने लग गए हैं फाउंडेंट केक के, तो मुझे लगता है आपको भी सीखना चाहिए। कुछ ज़्यादा इसमें माथा पच्चीसी नहीं है, आपको फाउंडेंट बेलना है, कट करना है। मोल्ड आ जाते हैं मार्केट में, फाउंडेंट आपको मिल जाएगा आपके बेकरी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपके आसपास है, या बेकरी शॉप वालों से आप पता कर सकते हो कहाँ मिलता है, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो दोस्तों। सारे मोल्ड्स कटर वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर आप कभी भी आपके दिल्ली वगैरह आपका जाना हो तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलता है, आप मुझसे इस पे कमेंट पे पूछ सकते हो। और क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें आसान है दोस्तों, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। अभी हमने इसके साइड से कवर कर लिए क्रीम से, पूरा जो सिल्वर कलर का बोर्ड था इसका केक का हमने उसको वाइट कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसको टर्न टेबल से केक को नीचे निकाल दे रहे हैं, और फिर उसी फाउंडेंट से जिससे हमने बुक का कवर रेडी किया है ब्लू फाउंडेंट, उसी को हमने गोल तरीके की पट्टी बनाई और उसके नीचे की साइड भी किनारे में हम उसके लगा दे रहे हैं, जिससे कि एक बुक का परफेक्ट उसका सेप आ जाए। और आपको भी इसी तरह से कर लेना है गाइज। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, और आपको लग रहा हो तो कि इतनी स्पीड से हम बना रहे हैं तो ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत आसान काम है। और जो भी आपको समझ में ना आए तो गाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लगभग हमारा एक केक बन के रेडी हो चुका है, और जैसा कि आपने देखा था हमने इसके जो ऊपर कैप वगैरह है और नेम वगैरह हैं वो सब पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। अब हमारा लास्ट काम रह गया है इसके ऊपर उनको डेकोरेट करना। तो गाइज यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, और अब हम इसको इसके ऊपर अच्छे से रख देते हैं। ये ऑक्सफोर्ड कैप हो गई, साइड में हमने इसको लगा दिया, और अब हम साइड से इसके जो नाम लिखना था हमने केक के ऊपर वो भी हमने फाउंडेंट से ही कट करके रखा हुआ था, जैसे कि JEN और उसके आगे नाम था निशांत, जो कि हमने पहले ही नेम कटर से हमने उसको कट करके, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा गाइज कि अपन नेम काय से काटते हैं, उसके कटर किस तरह के होते हैं, क्या टूल्स यूज करते हैं, वो सारी जानकारी अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर दूंगा। और यहाँ पे मैंने शुगर शीट में फ़ोटो निकाल रखी थी, और इसको भी हम केक के ऊपर चिपका देंगे। फोटो केक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, और केक हो गया हमारा बनकर तैयार। कैसा लगा आज की ये रेसिपी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार।